कोरोना काल में हेल्थ इक्विपमेंट की बहुत मारामारी देखने को मिली है। हम में से हर कोई रेमडेसिविर दवा हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर बहुत मारामारी चली है, और उन लोगों का बहुत योगदान रहा जिन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए अपना प्रयास किया। कई सामाजिक संस्था सामने आए, इसमें से कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं, सामाजिक संस्थाएँ भी हैं, और कुछ लोग इंडिपेंडेंटली भी इस पर काम करते नजर आए। इस वक्त हम झारखंड यूथ कांग्रेस, कांग्रेस NSUI के छात्रों या नेताओं के, यंग नेताओं के साथ आए हैं जिन्होंने इस महामारी के काल में बहुत ही अहम योगदान दिया है। और ठीक आप सामने देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, जिसमें युवा कांग्रेस का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये इस तरह के कई इक्विपमेंट हैं जिन्होंने महामारी के दौरान लोगों की मदद की है, और इसकी वजह से बहुत मारामारी भी हुई है। ऐसे में जिन लोगों ने लोगों की मदद पहुँचाने के लिए इस तरह के तमाम इक्विपमेंट लोगों तक पहुँचाए हैं, उनका योगदान अहम है। हम उनसे जानते हैं कि जो प्रक्रिया पूरी रही है, किस तरह से पैंडमिक के दौरान किस तरह से टीमें बनी, लोग जुड़े, कारवा बना, और फिर मदद पहुंचाने की जो मुहिम है वो लोगों तक पहुंचाई गई है, हज़ारों जानें बचाई गई हैं, उसका प्रोसेस क्या था, तरीका क्या था, हम आइए जानते हैं। हमारे साथ कुमार राजा हैं जो कि झारखंड यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और इस पूरे मुहिम में अलग अलग टीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोग लगातार, एक तो पहले पैंडेमिक का पहला दौर, फिर सेकेंड फेज, और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लगातार काम कर रहे हैं इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में, किस तरह ये टीम कैसे बनी, कैसे ये तय हुआ कि ये चीज़ करना चाहिए, और क्या फिर कांग्रेस पार्टी इस महामारी में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थी। आप देखेंगे जितने भी मोर्चा संगठन कांग्रेस पार्टी में, चाहे NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सारे लोग अपने हिसाब से, अपने जितनी भी क्षमता है से लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो ऑक्सीमीटर पहुँचाना हो, सिलेंडर पहुँचाना हो, कंसंट्रेटर पहुँचाना हो, बेड दिलाना हो, राशन बांटना हो, लगातार लोग लगे हुए हैं। हमने जब ऑक्सीजन बैंक का जब कॉन्सेप्ट हमने सोचा, क्योंकि अभी महामारी में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन इतना एक दुर्लभ वस्तु हो गया था कि लोग, कितने लोगों की न जाने जान चली गई उसके कारण। उसके बाद क्या था कि अगर सिलेंडर आप किसी को देते हैं तो उसको रिफिल कराने की बहुत समस्या आ रही थी और बहुत महंगा भी हो गया था, क्योंकि किसी का जब डिमांड बढ़ जाता है तो महंगा हो जाता है, जाहिर सी बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा देखा जा रहा था। तो हमने ये 20-25 कंसंट्रेटर जुगाड़ किए और काफ़ी लोग जो पहले से काम कर रहे थे, कुछ अलग हमें करना नहीं पड़ा। अब उनके पास, किसी के पास रिक्वायरमेंट आ रहा है तो उनको तुरंत हम कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चैनलाइज करने का भी। जी चैनलाइज करने का काम कर रहे हैं, और चूंकि ये लोग पहले से लोगों में जुड़े हुए थे तो कुछ प्रचार भी नहीं करना पड़ा इनके पास, ऑलरेडी सबके पास कहीं ना कहीं जान। क्या क्या चीज़ें, जैसे एक तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ रखा हुआ है, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ऑक्सीमीटर्स, मतलब हमको लगता है 1,500 ऑक्सीमीटर हमने बांटे हैं इतने दिन में। और ऐसे भी जो ये लेकर जाते हैं उनको ऑक्सीमीटर हम फ्री में देते हैं साथ में, जो भी लेकर जाता है, क्योंकि पूरा सेट वही होता है, देते हैं। राशन बांट रहे हैं, सभी इक्विपमेंट जो जरूरी था जी, राशन भी बांट रहे हैं, बहुत बहुत राशन। ये लोग लगातार खाना खिला रहे, ये राशन बांट रहे हैं, ये लोग लगातार सिलेंडर वगैरह जितने भी सक्रिय सबको मुहैया करा ही रहे हैं। तो सब बहुत प्रॉपर चैनल की जरूरत पड़ी होगी, भाई टीम बने, पहले रिक्वायरमेंट को आप शॉर्टलिस्ट करें, फिर उस अकॉर्डिंग टीमें डिस्ट्रीब्यूट करके उनके घर तक पहुंचाएं, तो इस तरह इसके लिए क्या प्रोसेस रहा, कितना? ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लगातार हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। उसमें से हम करते क्या है कि जिस एरिया का, वहाँ के लोगों को बोले कि भाई अगर लगे कि रातूड़ में रहता कि यार देखो यहाँ रिक्वायरमेंट है, फ़ोन पर बात करके उनको जो जरूरत है, ब्लड है, प्लाज्मा है, हम लोग वहाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। कितनी बड़ी टीम थी अगर पूरे रांची जिला की बात करें, सब मिलाकर, जैसे कुछ अलग अलग टीमें अलग अलग काम कर रही थी, कितने लोगों की ये टीम? देखिए जो 8-10 टीम काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग काम कर रहे थे। क्या संख्या होगी सब मिला? हमको लगता है कि कम से कम 100 लोग इसमें होंगे जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उन सबसे हम लोग संपर्क में हैं और सबके साथ मिलकर ये काम हम लोग कर रहे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आप लोग, चूँकि लगातार फील्ड में रहे उस दौर में जब लोगों को घर से निकलने से मनाही थी और आप लोग फील्ड में उतर कर लोगों की मदद पहुँचा रहे थे, क्या एक्सपीरियंसेस रहा अस्पतालों में, लोगों का क्या रिस्पॉन्सेज रहा और कैसा लग रहा? देखिए जिस तरह का ये महामारी अभी इस बार सेकेंड फेज आया है, घर वाले भी बहुत डरे हुए थे, हमारे जितने भी साथी है, हम लोग जो भी बाहर निकल रहे थे घर से भी बहुत प्रेशर था कि मत निकलिए, पर क्या कीजिए, कांग्रेस पार्टी का खून हमारे अंदर में बसा पड़ा है, अब किसी को तकलीफ होता देखा नहीं जाता, जो भी कहीं से भी किसी तरह का भी फ़ोन आए, किसी को बेड का प्रॉब्लम हो, किसी को भोजन का प्रॉब्लम हो, किसी को सिलेंडर का प्रॉब्लम हो, तो हम लोग निकलते थे, पूरी टीम अपना अलग अलग जगह पे काम कर रही थी, जिससे जो बन पड़ रहा था वो लगातार मदद कर रहे थे। ये देखिए जब सामाजिक संस्थाएं जब आगे आई तो बहुत रूप से सहूलियत मिले हैं, और ख़ासकर तब जब जो महंगे इक्विपमेंट होते हैं उनको, जो अफोर्डेबिलिटी जिनके पास नहीं थी, उन लोगों के लिए प्रयास किया गया और संस्थाओं द्वारा बुलाया गया और फिर ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, आपका भी योगदान इसमें रहा है, किस तरह से आप लोगों ने चैनलाइज की चीज़ों को?
सबसे पहले तो हमारे जो नेता हैं, जन जन के नेता है राहुल गांधी जी का यही कहना था कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों की मदद करनी है, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे ब्लड उपलब्ध करवाना हो, चाहे जो मैंने स्वयं खुद एक सीरियस अति गंभीर पेशेंट को अपना ब्लड दिया था कोविड का जब पीक चल रहा था करीबन एक महीने पहले जी हमने दिया था। और हमारे साथी जो है इंद्रजीत, उन्होंने भी अपना कुछ दिन पहले 13 दिन के बच्चे को जिसको ब्लड प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी उन्होंने अपना प्लेटलेट्स दान दिया था। ये जब विपदा आती है तो बहुत ज़रूरी है कि समाज का हर एक अंग सामने आकर कंट्रीब्यूट करे और तभी हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और इस तरह के प्रयासों को हम बहुत सराहना करते हैं। अनिकेत है, अनिकेत एक तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था साथ में आप राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा था, किस तरह के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत मदद के लिए बोले कि धन्यवाद बहुत दिया उन्होंने और कोशिश रह रहा है हम लोग का कि आगे भी हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे और ऐसे ऐसे कामों में हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर। एक बात जो बहुत ज़रूरी बात, जब सामाजिक संस्थाएं जब आगे सामने आके बात करना शुरू की तो एक चीज़ ये हुआ कि जो सरकारें हैं उनका ये क्वेश्चन उठने लगा कि आखिर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं जब बड़ी संस्थाओं के साथ नहीं। हमारे इंद्रजीत हैं जो लगातार इस मामले में जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, चाहे आप श्रीनिवास जी की बात करें या आप सोनू सूद की बात करें, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ एक तो बताइए कि जैसे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है क्या कीमत इसकी हो? 30-40,000 से एक आती है मिनिमम। जी बहुत महंगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन उठता कि फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास और इतना इतने बड़े अमाउंट में आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैसे ये चीज़ जनरलाइज हो पा रही है? जैसे कुछ अपने पर्सनल फंड रहते हैं और कुछ जैसे अपने कांग्रेस के लीडर्स हुए या अपने जो सोशल वर्क हमारा देखते हुए जो हम लोग को देखते हैं कि ये नोबल कॉज कर रहा है कुछ अपने तरफ से डोनेट करना चाहे तो वो लोग भी डोनेट कुछ करते हैं, कुछ हमारा पर्सनल अपना पैसा लगा हुआ रहता है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो ये सिर्फ कंसंट्रेटर की बात नहीं है, हम लोग तो लगातार 45-50 दिनों में शहर में झारखंड के पूरे हर जिले में लगे हुए हैं, चाहे वो राशन का काम हो या कंसंट्रेटर का काम हो, ब्लड का काम हो, मतलब लगातार हम लोगों की टीम एक लगी हुई है, जन सेवा में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। और बात आती है कि जाँच बैठाई जा रही है कि श्रीनिवास जी के पास इतनी सारी इक्विपमेंट कहाँ से आ रही है, वो दुर्लभ दवाइयाँ जो नहीं मिल पा रहा है वो कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, सोनू सूद कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, कोर्ट द्वारा भी कहा गया है, इसको कैसे देखते कैसे? देखिए सोनू सूद के ऊपर जो आप लोग बोलिए कि वो बॉलीवुड के हैं नेता है, उनके पास पहुंच है, उनकी पर्सनल उनकी फंडिंग्स है अपने वो कर रहे हैं, तो हम लोग के नेता जो हैं श्रीनिवास जी हैं, हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी है, ये लोग हमारे अपने तरीके से ये लोग अपने फंडिंग कर रहे हैं, ये किन्हीं से लेके नहीं, ये अपने जो पार्टी की तरफ से हमें जो सहयोग कर रहा है सहयोग कर करके हम लोग अपने इसमें चला रहे हैं इसमें हम लोग। तो देखिए जब सामाजिक संस्थाएं जब आगे आती हैं तो ये सिर्फ इनका पर्सनल फंड नहीं होता बल्कि बाकी लोगों से डोनेशन भी होता है और वो डोनेट करते हैं, पैसे मिलते हैं और फिर इस तरह से हर एक पाई जोड़ जोड़ कर जो प्रयास है वो लोगों तक पहुंचता है और एक सकारात्मक रूप में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कोविड के दौरान पिछले 2-3 महीनों का जो सफ़र रहा बहुत ही दुखद सफ़र किस तरह पूरा हुआ है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और बाकी मशीनें भी हैं, इस तरह के दर्जनों मशीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, साथ ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीमीटर्स हो या अन्य इक्विपमेंट, चाहे वो ऑक्सीजन देने की बात हो, लोग ब्लड भी दिए हैं, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और ये सब कुछ इन युवाओं की टीम द्वारा संभव हो पा रहा है जो इस वक्त आपको NSY कांग्रेस की तरफ से देख रहे हैं और तमाम सामाजिक संगठन जो है सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाज इन युवाओं के इस कार्य को की सराहना करता है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के प्रयासों से यह देश, यह राज्य इस कोविड के महामारी से उभर रहा है और उभरेगा भी। इन लोगों के प्रति समाज अपनी कृतज्ञता पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रयास जो है निरंतर चलता रहे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक, नमस्कार। thefollowup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in